हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन इंजीनियर्स। और जो हमने जनरल नॉलेज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज शुरू की थी, आज उसका सेकंड पार्ट है, जो आने वाले FCI, CWC एंड NABARD के एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो की PDF आपको हमारी साइट पर अवेलेबल हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। हु क्वाइन द नेम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान नेम है वो किसने क्वाइन किया है? तो वो किया है चौधरी रहमत अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो रस्टिंग जो है आयरन की वो किसकी एग्जाम्पल है? तो वो है ऑक्सीडेशन की। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया हैव बीन डेजिग्नेटेड एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, तो इनमें से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन सा है? तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पहले जानते हैं होता क्या है। वो जगह विद सिग्निफिकेंट रिजर्वायर ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड थ्रेटन विद डिस्ट्रक्शन, मीन्स जहाँ पे अनेकों प्रकार की बायोडाइवर्सिटी मिलती है प्लस उसे खतरा है ख़त्म होने का, एंडेंजर्ड होने का, डिस्ट्रक्शन होने का खतरा है, उस जगह को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो इंडिया में ईस्टर्न हिमालय भी है एंड वेस्टर्न घाट भी है। तो आंसर है बोथ ए एंड सी। इंडिया में दो मेन हॉटस्पॉट हैं, ईस्टर्न हिमालय एंड वेस्टर्न घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज नोन एज द लंग्स ऑफ द अर्थ, तो कौन से फॉरेस्ट को हम लंग्स ऑफ अर्थ बोलते हैं? तो बोलते हैं अमेजोन के जंगलों को, अमेजोन फॉरेस्ट। क्यों बोलते हैं? अबाउट 25% ऑफ वर्ल्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्जर्व बाय दीज फॉरेस्ट, इसीलिए हम इसको लंग्स ऑफ अर्थ बोलते हैं, क्योंकि जब 25% वर्ल्ड की कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है एंड उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल, तो टेरर ऑफ बंगाल किसे बोला जाता है? तो वाटर हाइसिंथ को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इसे टेरर ऑफ बंगाल? क्योंकि ये वाटर सरफेस पे होता है और ये वाटर सरफेस को इतनी जल्दी कवर कर लेता है कि नीचे तक लाइट नहीं पहुँच पाती, तो जिसके चलते ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है सरफेस नीचे, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है और ऑक्सीजन डिमांड बढ़ने के कारण नीचे जो मछलियां होती हैं, फिशेज होती हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, इसीलिए इसे टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एनेक्स्ड टू द ब्रिटिश एम्पायर अंडर सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडरी अलायंस के तहत इनमें से कौन सा ब्रिटिश एम्पायर में एनेक्स नहीं किया? तो वो है झांसी। झांसी को किस तरह किया है? तो वो किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लेव्स के अकॉर्डिंग। जे कौन लेकर आए थे? तो जे वारन हास्टिंग लेकर आए थे, लॉर्ड वारन हास्टिंग। और सब्सिडरी अलायंस कौन लेकर आए थे? तो लॉर्ड वेलेसली लेकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्विट इंडिया कंपेन वॉज लॉन्च्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर द फेलियर ऑफ, तो किसके, इनमें से किसके फेलियर के बाद क्विट इंडिया कंपेन शुरू की गई थी? क्विट इंडिया कंपेन शुरू की गई थी अगस्त 1942 को, और उससे पहले 1942 में अप्रैल मार्च के महीने में क्रिप्स मिशन आए थे, जो स्टैफर्ड कमीशन क्रिप्स लेकर आए थे। तो वो इस मिशन के तहत इंडिया को वर्ल्ड वार सेकंड ख़त्म होने के बाद डोमिनेंट स्टेटस देने का वादा किया गया था, लेकिन कांग्रेस को ये मंजूर नहीं हुआ, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इसको। तो इसके बाद उन्होंने क्विट इंडिया कैंपेन शुरू किया। अगर शिमला कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये 1945 में हुई है और कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। नेक्स्ट, स्कॉल्डिंग विद स्टीम इज मोर सीवियर देन स्कॉल्डिंग बाय बॉइलिंग वाटर बिकॉज, जो स्टीम के, अगर आपकी बॉडी स्टीम पे एक्सपोज होती है तो आपको बहुत तकलीफ होगी, बहुत जलन होगी, देन बॉइलिंग वाटर। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टीम कंटेन मोर एनर्जी देन बॉइलिंग वाटर, क्योंकि बॉइलिंग वाटर, वाटर को बॉयल होने के लिए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, लेकिन अगर स्टीम में कन्वर्ट होना है उसको, तो उसे सिग्निफिकेंट जो इसको बॉइलिंग के लिए चाहिए वो तो चाहिए, प्लस
लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन चाहिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन चाहिए इसको, उसके तहत ये स्टीम में कन्वर्ट होता है, जिसके तहत हमको ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब हमारी बॉडी स्टीम पे एक्सपोज होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा एनर्जी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट टू पार्लियामेंट। तो जो हमारे वित्त मंत्री पार्लियामेंट में बजट पेश करते हैं, तो वो किस कौन सा डिपार्टमेंट तैयार करता है बजट को, तो वो करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड विद द, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके रिलेटेड है, तो प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर के है, ओजोन लेयर को बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया था। अगर ग्रीन हाउस रिडक्शन की बात करें, ग्रीन हाउस गैसेज के रिडक्शन की, तो ये क्योटो प्रोटोकॉल है। अगर कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल, तो ये बोन कन्वेंशन आती है, बोन कन्वेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो किस प्रिंसिपल के पे काम करता है, तो वो करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन ऑफ यूएनओ इज कंसिडर्ड एज वर्ल्ड पार्लियामेंट, तो यूएनओ, यूएन के 6 ऑर्गन हैं, मेन 6 ऑर्गन हैं यूएनओ के, और इनमें से कौन सा है जिसे वर्ल्ड पार्लियामेंट बोला जाता है, तो है जनरल असेंबली। और इनके अलावा कौन कौन से हैं, इनके अलावा कौन कौन से ऑर्गन हैं, तो है एक तो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो हॉग में है, और द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड जनरल असेंबली सेक्रेटरिएट सिक्योरिटी काउंसिल एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल, जे 6 ऑर्गन हैं यूएनओ के। व्हाट मूव्ड शहीद भगत सिंह इन हिज अर्ली लाइफ टू रेजिस्ट द इंडियन इंग्लिश रूल, तो शहीद भगत सिंह को उनकी अर्ली लाइफ में बचपन में कौन सा किस्सा ऐसा हुआ जिसने ब्रिटिश रूल को रजिस्ट करने पे मजबूर कर दिया, तो वो था जलियांवाला बाग मैसेकर। ये कब हुआ था, सॉरी 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग मैसेकर। ये क्यों हुआ था, क्योंकि उस समय रॉयल एक्ट पास किया गया था, तो रॉयल एक्ट के अकॉर्डिंग हैबियस कॉर्पस रिट ख़त्म कर दी गई थी, जिसके तहत किसी को भी बिना अपील दलील जेल में बंद किया जा सकता था। तो वहाँ के दो मशहूर लीडर डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उनके रोष में जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल को लोग एकत्र हुए थे और जनरल डायर ने उन पर गोलियाँ चला दी थी। तो जे मैसेकर शहीद भगत सिंह को मूव किया, उसे इंस्पायर किया कि वो ब्रिटिश रूल को रजिस्ट करें, उनके अगेंस्ट खड़ें। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज, तो इनमें से बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है सा है, तो वो है साल्ट वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ हाई इन्फ्लेशन एंड लो इकोनॉमिक ग्रोथ इज टर्म्ड एज, तो जब हाई इन्फ्लेशन होती है और ग्रोथ कम होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया मे अपॉइंट ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो इनमें से प्रेजिडेंट किसे अपॉइंट नहीं करता, पीएम, हाँ पीएम को करता है, गवर्नर को करता है, हाई कोर्ट के जज को करता है, लेकिन राज्यसभा के चेयरमैन को नहीं करता। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, तो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है राज्यसभा का चेयरमैन। तो राज्यसभा के चेयरमैन को अपॉइंट नहीं करता प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन होते हैं, जिसमें पार्लियामेंट इन्वॉल्व होता है, पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इलेक्शन में, तो वो इलेक्ट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट को।
Next question, who among the following was the chairman of the drafting committee of the Indian Constitution? तो जो drafting committee थी Indian Constitution की, तो उसके chairman कौन थे? तो वो थे Dr. भीमराव अंबेडकर. Next question, who said each blow on my body would prove a nail driven into the coffin of British Empire and India? तो ये किसने बोला था, मेरे शरीर पर प्रत्येक झटका भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील साबित होगा? तो ये किसकी शब्दावली थी? तो ये थी लाला लाजपत राय जी की. इनको इन्होंने साइमन कमीशन जो 1927 में बना था उसकी उसका विरोध करते करते इनको लाठीचार्ज में शहीद कर दिया गया था. तो जब ये शहीद होने से पहले इन्होंने ये बोला था. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हॉटेस्ट प्लैनेट? तो इस क्वेश्चन में बहुत से कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो मरकरी समझते हैं, लेकिन मरकरी इसका आंसर नहीं है क्योंकि मरकरी के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, अपना एटमॉस्फेयर नहीं है, इसीलिए ये हॉट है लेकिन हॉटेस्ट नहीं है. ये सबसे गर्म नहीं है, गर्म है लेकिन सबसे गर्म प्लैनेट नहीं है. सबसे गर्म है वीनस. क्यों वीनस सबसे गर्म है? क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है. ये ग्रीन हाउस गैस है जिसके कारण इसका तापमान बहुत बढ़ जाता है, जिसके तहत ये हॉटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का. हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसके तहत ये इतनी गर्म हो जाती है. लेकिन जो वीनस है उसके पास तो बहुत सबसे ज़्यादा गैस कार्बन डाइऑक्साइड है. और वीनस की बात करें, इसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी बोला जाता है, इसे मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी बोला जाता है, इसे ट्विन ऑफ अर्थ भी बोला जाता है. तो इसी के साथ हमारी ये वीडियोस ख़त्म होती है. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं. और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. हैव अ गुड डे.